दोस्तों इस दिवाली देखिएगा मुहूर्त ट्रेडिंग पे लर्निंग अर्निंग कॉन्सेप्ट पे आगे बढ़ना चाहते हैं तो ज्वाइन करिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और मैं आपको यहां पे बताना चाहता हूं कि आज जो है मुहूर्त ट्रेडिंग, और देखिएगा मुहूर्त ट्रेडिंग के साथ कल भी आपको पॉजिटिव फैक्टर देखने को मिल सकता है, पॉजिटिविटी ग्रीन फैक्टर देखने को मिल सकता है स्टॉक मार्केट में। चूंकि आपको पता है दिवाली का क्रेज है और दिवाली में पिछले 10 साल का एक्सपीरियंस है कि देखिएगा जो मुहूर्त ट्रेडिंग वाला टाइम होता है, मुहूर्त ट्रेडिंग वाला डे होता है, उसमें मार्केट देखिएगा 10 में से देखिएगा 8 से 9 बार पॉजिटिव ओपन हुआ है, 8 से 9 बार मायने रखता है, आपको भी पता होगा। और यहां पे आपको एक मार्केट जो कि आपको पता होना चाहिए कि 24 घंटे खुला रहता है, जो ग्लोबल आउटलुक को भी कैच करता है, और आपको पता होना चाहिए डोमेस्टिक आउटलुक पे भी क्या करता है, पूरी तरीके से इंपैक्ट करता है, वो 8% देखिएगा यहां पे 8% की तेजी देखने को मिल रही है। मैं बात कर रहा हूं बहुत ही वाइड मार्केट की, क्रिप्टो करेंसी मार्केट की, जो 24 आवर्स अगर आप देखेंगे ये ओपन रहते हैं सैटरडे संडे को। इनकी पर्टिकुलर देखिएगा जो एक्टिविटी होती है, इनका जो मोमेंटम होता है वो मंडे को इंपैक्ट करता है, क्योंकि मार्केट संडे को खुलने वाला है मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए और फिर मंडे को कल खुलेगा। तो इसके लिए बड़ा देखिएगा पॉजिटिव फैक्टर आ चुका है कि अगर आपको मैं एक एक करके दिखाऊंगा तो कुछ तो देखिएगा क्रिप्टो करेंसी 8% तक अप है, इसके अलावा कुछ करेंसी देखिएगा 3-4% के ऊपर आपको देखने को मिल रहे हैं, जो कि कल के लिए बहुत पॉजिटिव सिग्नल है। अगर आप देखेंगे यहां पे बहुत पॉजिटिव सिग्नल है, आप चेकआउट कर सकते हैं 9%, फिर देखिएगा यहां पे 2%, 3% के आसपास यहां पे आप देखेंगे तो यहां पे मल्टीपल क्रिप्टो करेंसी इंजॉय कर रही हैं देखिएगा ग्रीनरी को, बुलिश मोमेंटम को। और आपको पता है क्योंकि अभी हमारे पास क्या है, हमारे पास है दिवाली का टाइम, तो ये एक पॉजिटिव फैक्टर की तरह और भी मोमेंटम दे सकता है, जिसको देखिएगा काफी ज्यादा इनकरेजमेंट मिल रहा है किससे, क्रिप्टो मार्केट से। तो आज और कल आपको ग्रीन मार्केट खुलने का केवल एक रीजन नहीं है, कई रीजन है। तो पहले तो देखिएगा यहां पे नैसडैक की क्लोजिंग फ्राइडे को, आईटी सेक्टर ने ग्लोबल मार्केट में इतना अच्छा परफॉर्म किया कि फिर से देखिएगा सस्टेनेबल जो देखिएगा रेजिस्टेंस है नैसडैक का, वहां पे जाके पहुंचा है 2% की तेजी नैसडैक में देखने को मिल रही है फ्राइडे को, 2% की। और आपको पता होना चाहिए निफ्टी 50 के टॉप वेटेड सेक्टर में पहला है बैंकिंग, दूसरा है आईटी, और आपको पता है आईटी सेक्टर कल भी परफॉर्म करेगा और आज देखिएगा मुहूर्त ट्रेडिंग पे भी परफॉर्म करेगा, यानी कि आईटी सेक्टर में आपको ज्यादा बूम देखने को मिलेगा, आईटी सेक्टर आपको ज्यादा परफॉर्म करते हुए देखने को मिलेगा। और ये जब परफॉर्म करेगा तो ये निफ्टी के लिए कई सारे रास्ते खोल देगा। इसके अलावा डोजोन्स में भी काफी शानदार तेजी देखने को मिली है, अगर आप देखेंगे फ्राइडे नाइट को, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। और मैं आपको बताना चाहता हूं इसके बाद बॉन्ड मार्केट में, इंडियन बॉन्ड मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए पॉजिटिव फैक्टर आपको देखने को मिल रहा है। इसके अलावा बात करेंगे तो अब आ जाता हूं मैं फ्यूचर्स पे, तो अगर आप देखेंगे निफ्टी के फ्यूचर्स क्लोज हुए हैं 19,500 के आसपास, और अगर आप देखेंगे डाओ फ्यूचर्स, तो आप टेक फ्यूचर्स देखेंगे तो इन्होंने तो डिफरेंट लेवल पे क्लोजिंग दरी है। इवन देखिएगा टेक फ्यूचर्स ने तो 333 पॉइंट का जंप दिया है, 333 पॉइंट का, और देखिए यहां पे 15,521 का लेवल तोड़ दिया है। तो ये निफ्टी हमारी जो क्लोज हुई है वो 19,425 पे हुई है, तो काफी बड़ा गैप है निफ्टी फ्यूचर्स और निफ्टी 50 के बीच में, जो कि इंपैक्ट होगा मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए भी और आपके कल के बाजार के लिए भी। तो कल के लिए जो रेजिस्टेंस रहेंगे तो 540 का पहला रेजिस्टेंस रहेगा, अगर ये ब्रेकआउट होता है तभी मोमेंटम देखने को मिलेगा, अदरवाइज प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल सकती है। नीचे की तरफ देखिएगा जो सपोर्ट रहेगा 380 का रहेगा,
निफ्टी बैंक की बात करेंगे तो कल आपको 44,000 का लेवल देखने को मिल सकता है, आज ही आपको ब्रेकआउट होते हुए देखने को मिलेगा। नीचे की तरफ सपोर्ट रहेगा 43770 का। तो फोकस करिएगा, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।